सो हेलो एंड वेलकम, स्वागत का फोरेक्स फॉरेन बॉक्स। मतलब Xiaomi लेके आ गया है अपना 12 सीरीज़ का नया स्मार्टफोन जिसका नाम है रेडमी 12। तो आज हम बात करने वाले हैं ये स्मार्टफोन के लिए जो कि आपके लिए अच्छा ऑप्शन है या नहीं, तो सब कुछ बताओगे इसके बारे में। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं लाते रहता हूँ। तो शुरू करते हैं पहले फ़ोन के बिल्ड क्वालिटी से, जिसके अंदर आपको बैक में ग्लास बॉडी देखने मिल जाता है और फ्रेम आपको प्लास्टिक में देखने मिलता है। अगर बात करें तो 12 से 15 हज़ार वाले रेंज में भी आपको ग्लास नहीं मिलता, जो इस प्राइस रेंज पर आपको ग्लास बॉडी देखने मिलता है, जो एक अच्छी बात है। तो पोल्स और बटन की बात करें तो टॉप में आपको 3.5 mm जैक IR ब्लास्टर, बॉटम में स्पीकर टाइप सी पोर्ट, माइक देखने मिलता है, राइट में वॉल्यूम बटन, पावर बटन जिसके अंदर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने मिलता है, लेफ्ट में आपको सिम मीटर देखने मिलता है जिसके अंदर ड्यूल सिम और माइक्रो एसडी स्लॉट भी देखने मिल जाता है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। तो बढ़ते हैं फ़ोन के डिस्प्ले की तरफ, जिसके अंदर आपको 6.79 इंच का एक बड़ा डिस्प्ले देखने मिलता है, जिसके अंदर पंच होल कटआउट में फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले, साथ में 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने मिलता है। अगर ब्राइटनेस पीक की बात करो तो 550 निट्स का ब्राइटनेस पीक देखने मिलता है। ओवरऑल डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी है, बट थोड़ा आउटडोर में इशू रहेगा। तो बढ़ते हैं फ़ोन के परफॉर्मेंस की तरफ, जिसके अंदर अब रेडमी 12 में मीडियाटेक हीलियो G88 का 4G प्रोसेसर देखने मिल जाता है, जो इस प्राइस रेंज पर कंसिडर करता है, जिसके अंदर आपको 4GB और 6GB LPDDR4X रैम देखने मिलते हैं, 128GB EMCC जो 5.1 स्टोरेज देखने मिलता है, और ये स्मार्टफोन आउट ऑफ बॉक्स आपको Android 13 देखने मिल जाता है, MIUI 14 आपको देखने मिल जाता है, जो एक अच्छी बात है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करो तो इस प्राइस रेंज पर सही है प्रोसेसर। तो नेक्स्ट बात करते हैं फ़ोन के कैमरा की, जो इंटरेस्टिंग है, बैक में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने मिल जाता है, जिसके अंदर आपको 50 MP मेन कैमरा, 8 MP अल्ट्रा वाइड कैमरा और 2 MP डेप्थ कैमरा। तो आजकल जो 12 से 15 हज़ार वाली रेंज के अंदर भी आपको अल्ट्रा वाइड नहीं देखने मिलता, जो इस प्राइस रेंज पर देखने मिलता है। वहीं पर फ्रंट कैमरा की बात करूँ तो पंच होल कटआउट में आपको सेल्फी कैमरा देखने मिलता है 8 MP। अगर कैमरा क्वालिटी की बात करूँ तो ये इस प्राइस रेंज पर एक अच्छा कैमरा क्वालिटी देखने मिलता है। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो रियर में आपको 1080x30fps तक वीडियो शूट कर सकते हो, फ्रंट में भी 1080x30fps तक शूट कर सकते हो। ओवरऑल कैमरा की बात करो तो 10,000 की रेंज में कैमरा क्वालिटी एक अच्छा मिल जाता है। फाइनली बात करें फ़ोन की बैटरी की, जिसके अंदर आपको 5000mAh का बैटरी देखने मिल जाता है, साथ में 22.5W का एक चार्जर एडाप्टर देखने मिल जाता है, जो फ़ोन चार्ज होता है 80W से, तो बैटरी बैकअप भी आपको एक दिन आराम से चल जाएगा। ओवरऑल फ़ोन की बात करें तो 10,000 की रेंज के अंदर आपको जो फीचर्स देखने मिल जाते हैं वो सब भी इसके अंदर देखने मिल जाते हैं, और डे टू डे टास्क भी आप इसमें सही से कर सकोगे, रेगुलर यूज़ भी सही से हो सकेगा, तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन रहेगा ये स्मार्टफोन। तो कैसा लगा ये फ़ोन और वीडियो करना जरूर बताना, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।